बैठा है लो बाकी सारे सर बैठ जाओ फिर चलो बैठियो 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 बीजेपी वालों कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो बीजेपी वालों कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो बीजेपी वालों कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो बीजेपी वालों सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो बिहार के गवर्नमेंट हाय हाय बीजेपी 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 सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो आगे बुलाए लो एक बंदा कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय लगाओ जी थोड़ा सा लगा बीजेपी हाय हाय 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 बीजेपी वाला कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो बीजेपी मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो बीजेपी सत्ता की भूखी कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो बीजेपी सत्ता की भूखी कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो बीजेपी हाय हाय 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 पार्टी जिंदाबाद
आज के प्रोटेस्ट के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सत्ता की खातिर जो है कश्मीरी फोर्सेस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, और उसकी जीती जागती मिसाल ये है कि जो टीचर्स की एडवर्टीजमेंट निकली है उसमें कोई 1900 पोस्ट जो है वो कश्मीर के लिए रखी गई हैं, और महज 290 पोस्ट जो हैं वो जम्मू खित्ते के लिए रखी गई हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे ज़िला भी हैं जिनको पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, और एक भी टीचर की पोस्ट उन ज़िलों के लिए जो है वो नहीं निकाली गई है। इसी तरीके से लिंग्विस्टिक और रीजनल बेसिस के ऊपर जो एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मुखालफत करती है, कड़ी मुज़म्मत करती है। देखने में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस किस्म के सरेंडर्स कर रही है सत्ता में बने रहने के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के बेरोजगार युवाओं की जो अनदेखी की है, यहाँ के युवाओं के जज्बात के साथ धोखा किया है, उनकी आकांक्षाओं को जो है वो अपनी सत्ता की खातिर कश्मीरी हुक्मरानों के समक्ष बेच दिया है, पैंथर्स पार्टी उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। नौजवानों के साथ मिलकर एक मुहिम खड़ा करेगी, यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको इकट्ठा करेगी, एक कंसोलिडेट करेगी और एक मूवमेंट खड़ा करेगी, ताकि कोई और ऐसा सबक भारतीय जनता पार्टी को सिखाएगी ताकि आने वाले वक़्त में कोई जम्मू के साथ इस किस्म का व्यवहार करने की कल्पना तक न कर सके।